फील्ड में ठीक है, ये दैया जी का प्रोग्राम चल रहा है, ज्यादा दैया जी के वोट हैं। कुछ रिश्तेदार के हिसाब से देंगे, कुछ पार्टी के हिसाब से। वैसे हम कांग्रेसी हैं। आप कांग्रेसी हो और इस बार वोट आप भाजपा को दोगे? नहीं, भाजपा को नहीं। क्या है कि कांग्रेस वालों ने विकास तो बहुत किया, पर क्या है कि मोटे जो विकास थे ना, बड़े बड़े विकास जैसे स्कूलों के है, मतलब गरीबों की, मतलब क्या है कि वो जो जरूरत थी ना, वो ध्यान नहीं दिया। तो पिछली दफा कांग्रेस का जो प्रत्याशी था, अभी बाबू जी कह रहे थे, उसने काम ही नहीं किया। तो हम आ पहुंचे हैं नरड़ दरगाह के पास, और हमें नरड़ दरगाह के पास में भाई साहब मिले हैं, और पहले व्यक्ति हैं जो दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता है, भाजपा के कार्यकर्ता भी और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी है। हमें आपने हमें बताया था कि आप कांग्रेस और भाजपा दोनों के कार्यकर्ता। मैंने ये बोला है कि है तो हम कांग्रेसी, पर मेरे ताल्लुकात उनसे भी थोड़े है, इसलिए हाँ मेरे निजी ताल्लुकात है उनसे। हाँ, तो क्या है माहौल? माहौल तो ऐसा है, जिसको वोट ज्यादा पड़ेंगे वो वोट ज्यादा देगा। ये तो सबको बताया, जिसको वोट ज्यादा पड़ेंगे वही जीतेगा। सही, ईमानदारी की बात तो ये है कि हम हैं कट्टर कांग्रेसी। अच्छा। हमारा जो वोट गिरता है तो वो पंजे के ऊपर गिरता है। बार बार मीडिया वाले पूछते हैं कि भाई आप वोट किसको दोगे किसको दोगे, तो हमारा वोट तो बीजेपी तो मानती नहीं है, पक्का, ये तो बात पक्की है। मानती क्यों नहीं? आप नहीं मानती। हमारे वालों को मौका देते नहीं है, कुचलते हमारे वालों को बीजेपी वाले। इसलिए बार बार मतलब कहते हैं कि भाई जो है जो बीजेपी को वोट दो, वोट तो जाए, बीजेपी को दुश्मन थोड़ी है। मोदी जी बहुत अच्छे हैं इस मामले में, विकास बहुत उन्होंने भी बहुत किया है, पर मतलब हमारे लिए कांग्रेस सबसे ज़्यादा है। क्यों? कि कांग्रेस ने बहुत गरीबों को साथ देती है, गरीबों का। और यहाँ पर क्या है कि कांग्रेस वालों ने विकास तो बहुत किया, पर क्या है कि मोटे जो विकास थे ना, बड़े बड़े विकास जैसे स्कूलों के है, मतलब गरीबों की, मतलब क्या है कि वो जो जरूरत थी ना, वो ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ नरड में काम नहीं हुआ क्या? बहुत ज़्यादा काम हुआ, काम तो बहुत ज़्यादा, विकास बहुत ज़्यादा करा इन्होंने, पर क्या है कि जो निचले तबके के लोग होते हैं ना, उनसे दबाव के कारण जो गरीब है ना, जैसे हम बहुत हम जात के मिरासी हैं, मुसलमान हैं, मतलब बिल्कुल कुचले हुए हम गरीब हैं। हमारा रास्ता मतलब ये है कि एक आदमी ने दरगाह के पास में गैप वार्ड नंबर 11 में क्या नाम है, 2 साल से पूरे गांव को मालूम है कि वो हमारा जो रास्ता था बिल्कुल बंद पड़ा था। हमने सबको बोला, हमने हमारे विधायक को भी बोला, पर बेचारे एक गरीब आदमी, मजदूर आदमी, मतलब एक मिलिट्री का आदमी, उसने हमारी अभी सुनी है। अब वो कम से कम अभी 1 महीना हुआ पानी का रास्ता निकला हुआ हमारे वार्ड से, तो कम से कम हमारा कहने का मतलब ये है कि जो भी नेता हो भाई, हमारा तो सीधा मसला, हम कट्टर कांग्रेसी और कांग्रेस में देते आए। सीधी बात ये है कि हमारा विकास भी तो होना चाहिए, गरीबों का कौन मसीहा ये बताओ आप मुझे। तो आप एक तरफ तो कह रहे हैं काम नहीं करते हैं, और एक तरफ कह रहे हैं कांग्रेस को वोट देंगे। नहीं, जो निचले कार्यकर्ता है ना, जो मतलब जो होने चाहिए अधिकारी, उनको मालूम नहीं ना ऊंचों को भाई ये कितने परेशान लोग हैं। तो विधायक तो आए हैं, विधायक जी बेचारे आते चले जाते कार में बैठ के, बेचारे मेरे खास निजी आदमी थे जेपी चंदेलिया जी, सारे गांव को मालूम है, मेरे मोहल्ले का काम नहीं हुआ बताओ, और को तो नंबर दे दूं ये रे मेरा नंबर है। लेकिन आप कह रहे हैं तो किस बात का है कि उन्होंने मेरी सुनी नहीं? अच्छा, सुनी नहीं। हाँ, मैं तो खुल के चैनल से कह रहा हूँ, मार मैंने बहुत ज़्यादा मतलब यह है उनको वोट भी दिया और सब कुछ करा मैंने, पर मेरे लिए उन्होंने मेरे गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। हालांकि हम आज भी कट्टर कांग्रेसी, क्यों हमारा तो वोट मानती नहीं बीजेपी, इसलिए हम भाई कांग्रेसी है। लेकिन आप बार बार मिलिया पूछते कैसे दोगे वोट, कैसे दोगे? छोड़ी इस बात को, मुल्ला का मुल्ला जी जो होते हैं, इनका वोट तो कांग्रेस कुदरती मानती है। ये तो आपका नहीं, और लोग भी हैं, और लोगों को भी देते हो। मेरा कहना मानो आप, मतलब ये है कि हमारा वोट मानते नहीं है। नहीं, आप अपना कहिए ना सर, आप अपना कहिए कि आप अपना नहीं देते हो, नहीं मानते हो, एक अलग चीज। मेरा बता रहा हूँ, हाँ मेरा भी नहीं मानते, मतलब ये धोखेबाज मानते हैं लोग अपने मतलब के लिए सब फिसलाते हैं। हिंदुस्तान के सभी लोग एक ही हैं, धोखेबाज कोई नहीं। अधिकार है, मेरा अधिकार है किसी को भी वोट दूं, और बाकी मैं तो देखो सीधी बात है, जो विकास करेगा उसको वोट दूंगा। आप कह रहे थे कि जेपी चंदेलिया जी है, समझे नहीं मैंने क्या कही, हम कांग्रेसी है तो कांग्रेसी रहेंगे, हमारा तो बीजेपी मानती ही नहीं है, तो हम कैसे देंगे बीजेपी को वोट? ठीक बात है, ठीक बात है। ये बताओ आप कह रहे हैं हमने शुरू से ही जो कांग्रेस को दिया वोट, और कांग्रेस को देते हैं, कांग्रेस को देंगे। बाबा बात तो सुनिए, आप कह रहे हैं कि हम कांग्रेस, आप कांग्रेस, आप जिसको चाहे पसंद करते हैं उसे वोट डालिए, है ना? मैं पूछ रहा हूँ, आप एक तरफ कह रहे हैं विधायक जेपी चंदेलिया, उन्होंने काम, सुनो तो सही, सुनाई तो होनी चाहिए ना गरीबों की।
जिनका वोट डाले वो सुना ही नहीं कर रहे अब उनको टिकट ही नहीं मिला, अब नए आदमी को मिला, अब नए आदमी को देखेंगे। चलो ठीक है बाबूजी। आप तो नरेड में क्या माहौल चल रहा है, चुनावी माहौल क्या चल रहा है सर? नरेड में ठीक है, दैया जी का प्रोग्राम चल रहा है, ज्यादा दैया जी के वोट है, 70% है नरेड में, 70% है। कारण अगर यहाँ पर ब्याह है, रिश्तेदार है, तो वो सबका रिश्तेदार हो गया, गाँव का तो रिश्तेदार ही होगा ना। हम नरेड के तो हमारा भी रिश्तेदार ही मानो, और कहीं के भाई रिश्तेदार तो रिश्तेदार ही होता, कुछ रिश्तेदार के हिसाब से देंगे, कुछ पार्टी के हिसाब से। वैसे हम कांग्रेसी हैं। आप कांग्रेसी हो और इस बार वोट आप भाजपा को दोगे? नहीं, भाजपा को नहीं देंगे, हमारा तो अच्छा, जवाई को दे रहे हो आप? नहीं, हमारा तो झुंझुनू पड़ता है। आपका झुंझुनू? विजेंद्र ओला जी को देंगे हम तो। अच्छा, अच्छा। कांग्रेसी आदमी है। यहाँ का माहौल बता रहे हैं? यहाँ का माहौल बता रहे हैं, यहाँ दुकान अपनी है, हम यहाँ रहते हैं, हमारा तो कांग्रेसी आदमी है, कांग्रेस को विजेंद्र जी को देंगे हम तो, ओला जी को। सही है, तो कांग्रेस ने वोट देगा मैं तो। कौन खड़ा है कांग्रेस से? काला को देंगे। यहीं के रहने वाले? यहाँ के रहने वाले हैं। और यहाँ का क्या माहौल है? वो यहाँ का माहौल तो सही है, कांग्रेस को देंगे इधर वोट। कितना परसेंट कांग्रेस को पड़ता है? अभी इतना मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं आपको बता दिया गया। तो पिछली दफ़ा कांग्रेस का जो प्रत्याशी था, अभी बाबू जी कह रहे थे उसने काम ही नहीं किया, उनके निजी ताल्लुकात भी बढ़िया था लेकिन काम नहीं किया, काम टिकट नहीं मिली, पार्टी टिकट नहीं दिया थी, वो उसका अपन नहीं बिरो, मैं तो ये मेरी बता। पिछली बार काम हुआ है क्या? हाँ कुछ काम हुआ, स्कूल का कोई रोड वोड वगैरह ये आया था, ये काम हुए। लेकिन देख रहा हूँ मैं नालियाँ वालियाँ सफाई और बनी हुई नहीं है, ये ऐसे ही चलता रहता है, ये तो क्या ध्यान ही नहीं देते है ना, नेता लोग इस पर ध्यान नहीं देते, ये तो चलता रहता है ऐसे ही। क्या कोई सेठ का बंगला उसके पास होता तो ये तो चलता ही रहता है, वोट ज़्यादा कांग्रेस का इधर। तो ये नरड देव रोड हम पहुँचे हैं और कुछ लिमिटेड लोगों तक हम पहुँचे हैं, उनके विचार हमने आपके सामने रखे हैं और बाकी तो चुनाव के बाद में ही पता चलेगा क्या कौन यहाँ से बाजी मार लेता है। देखते रहिए द इंक न्यूज़, मेरे सहयोगी निरंजन के साथ।